यूपी में ऑपरेशन क्लीन जारी है। यूपी में बदमाशों की शामत आई है, तभी तो बदमाश अंडरग्राउंड हो गए हैं। यूपी में पुलिस की गोली जमकर बोल रही है। ऑपरेशन क्लीन से बदमाशों की शामत आ गई है, तभी तो बदमाश या तो अपराध छोड़ रहे हैं या थाने पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। बीती रात मेरठ और मुजफ्फरनगर में जमकर पुलिस की गोली बोली। मेरठ के हस्तिनापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाश घायल हो गए जबकि तीन बदमाश भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने इनके पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। अपने आप को घिरता देखकर इन बदमाशों ने थाना टीम पर फायर किया और उसकी जवाबी कार्रवाई में जब जवाबी कार्रवाई की गई तो देखा गया उधर काफी लोग हैं, लेकिन जब मौके पर पहुंचे तो दो लोगों को जिनके नाम की शहीम और राकेश सामने आए हैं, जो कि दोनों एक सटला गांव थाना मवाना और एक राजू वाली मस्जिद थाना मवाना के पास के रहने वाला है, इन दोनों को घायल अवस्था में वहां पर पड़े पाया गया। इन्होंने बताया कि तीन और साथी थे, तो वो तीन साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले हैं। उनकी कॉम्बिंग लगातार की जा रही है, इन दोनों को हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और इसके साथ ही इस घटना का कुशल अनावरण किया गया है। जिला मुजफ्फरनगर में भी खतौली कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एनकाउंटर हुआ, जिसमें सचिन नाम के बदमाश को गोली लगी है। मुठभेड़ उस वक्त हुई जब चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की, तभी बदमाशों ने फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में बदमाश सचिन को गोली लगी है। इसका काफी देर तक इनके द्वारा पीछा किया गया, रुकने के लिए इनको बोला गया पर ये लगातार फायरिंग करते रहे और जिसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गोली लगी है। जब इसको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो इसने अपना नाम सचिन बताया। ये दूधा हेड़ी थाना मंसूरपुर का रहने वाला है और इस पर करीब दर्जन भर लूट के मुकदमे हैं। ये एक शातिर अपराधी है जो पहले गैंगस्टर 20 पे लगी थी और इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और तीन खोखा कारतूस इसके पास से बरामद हुए। दरअसल यूपी के मुखिया ने सत्ता संभालते ही साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि बदमाश या तो अपराध छोड़ दें या फिर यूपी छोड़ दें। सीएम योगी के ऐलान के साथ ही बदमाशों की शामत आ गई, तभी तो इतने कम समय में 4100 से ज्यादा एनकाउंटर हुए जिसमें कई बदमाश मारे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।